नमस्कार, बांग्योत किसका राज्याभिषेक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आज हम पहुंचे हुए बारासात विधानसभा जो कि नॉर्थ 24 परगना जिले की सीट है और ये वो सीट है जिस पर लगातार 2011 और 2016 में टीएमसी ने जीत हासिल की, लेकिन इस बार टीएमसी को कड़ा मुकाबला बीजेपी से मिलता नजर आ रहा है और वहीं संयुक्त मोर्चा की तरफ से भी पूरी ताकत झोंकी जा रही है। इस सीट को लेकर हम बात करेंगे, परिचय आपको हम अपने खास मेहमानों का कराएंगे और जोश एक बार आप देखें कितना जोश है यहां पर, कितनी सिया गर्मी है, कितना उत्साह लोगों में, ये जो नारे हो रहे हैं इससे आप पता कर पा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से बात करें अगर हम यहां पर आज कैसे बंगयुद्ध के इस मैदान में सियासी तपिश बढ़ी है। अमित मालविया की तरफ से एक ट्वीट किया गया, ओपन जो क्लब हाउस रूम है उसका उसमें एक लगातार एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसमें टीएमसी के जो रणनीतिकार हैं यानी कि प्रशांत किशोर, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, ये बात मानी जा रही है कि टीएमसी सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा है, पोलराइजेशन हुआ है और साथ ही कैसे चाहे सरकारें टीएमसी की रही हो, कांग्रेस की रही हो या फिर इस पर लेफ्ट की, लगातार मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिसी पर चली है और साथ ही कुछ बिहार में जो हिंसा हुई है उसका भी जिक्र करेंगे, बात करेंगे लॉकेट चटर्जी पर भी जो हमला हुआ, आखिर यह हिंसा क्यों हो रही है, कौन इसके लिए जिम्मेदार, इस पर बात करेंगे, बात इस सीट की भी करेंगे। लेकिन पहले आपका तारुफ, आपका परिचय करा रहे हैं आज जो खास मेहमान हमारे साथ इस शो में, हमारे साथ मौजूद है जयंतनाथ चौधरी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है और संयुक्त मोर्चा का पक्ष आज हमारे साथ रखेंगे। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी की तरफ से प्रदीप चटर्जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और हमारे साथ सुप्रभातो दास है जो कि टीएमसी के प्रवक्ता है। और सबसे पहले सुप्रभातो दास जी, सवाल आपसे बनता है क्योंकि जो आपके यानी आपकी पार्टी के जो प्रमुख रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, लगातार एक क्लिप वायरल हो रही है, बोल रहे हैं कि ममता दीदी खिलाफ गुस्सा काफी है। सवाल उठता है क्या ये इस बात का संकेत है कि 2 मई को ममता दीदी जा रही है, ये बात स्वीकार कर ली गई है टीएमसी की तरफ से? ये वीडियो जो दिखाया जा रहा है इसका अभी तक कोई सत्यापन नहीं हुआ है, ठीक है, तो मैं इस बारे में यही कहूंगा कि वीडियो को पूरा जानने के बाद, उसका सत्यापन होने के बाद ही इस बारे में कोई स्पष्ट। प्रशांत किशोर खुद बोल रहे हैं कि हाँ ये वीडियो है, बस उन्होंने एक बात ऐड की है कि पूरा वीडियो दिखाया जाए, पूरी बात सुनाई जाए, लेकिन वो साफ बोलते नजर आ रहे हैं कि ममता दीदी हो चाहे पहले की सरकार हो, मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिसी पर चली है, ममता दीदी खिलाफ काफी गुस्सा है, ये बात बोली जा रही है, मोदी प्रधानमंत्री मोदी काफी पॉपुलर है, इस बात को स्वीकार किया जा रहा है। ये वीडियो मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि ये वीडियो अभी सत्यापित नहीं है, जब ये वीडियो सत्यापित होगा, ये वीडियो का जो वीडियो जो है ये सत्यापित नहीं किया गया है, इसके बाद इस पर ठीक है बीजेपी से रिएक्शन लेते हैं, आप बताइए ये वीडियो क्या बता रहा है? आज दीदी बनी जो 500 करोड़ दे के जो ट्विटर रखा था वो ट्विटर आज ऐलान कर दिया, बीजेपी 200 से ज्यादा सीट लेकर पश्चिम बंगाल में चुनाव जीत रहा है, पीके घोषणा कर दिया दीदी मोनी का प्राइवेट ट्यूटर पीके, आज बोल दिया जे नरेंद्र मोदी से ज्यादा पॉपुलर लीडर वेस्ट बंगाल पर नहीं है, आज दीदी का टीचर यह घोषणा कर दिया जे 200 से ज्यादा सीट लेकर बीजेपी सत्ता में आ रहा है। अब यहाँ पर जो बीजेपी की तरफ से बात कही गई इसका जवाब तो आप देंगे ना? आप तो जानते ही हैं कि बीजेपी की तरफ से हर बात झूठ पे झूठ बोला जाता है, जहाँ जिनके मेन प्रधानमंत्री जी का ही 5 लाख का बूट और 10 लाख का सूट है, जिनका 5 लाख का बूट और 10 लाख, ये मुद्दे आपके लिए, ये चुनाव में मुद्दे हैं, आप मुद्दों की बात करिए ना, क्या मुद्दे हैं आपके लिए? मेरे मुद्दा, हमारा एक ही मुद्दा है, वो है विकास। दीदी ने पिछले दो बार दीदी रहते, आप एक बात बताइए कि अगर प्रशांत किशोर, अगर उनकी क्लिप्स वायरल हो रही है, अगर वो इस बात को मान रहे कि आज टीएमसी की हालत क्या हो चली है, तो उस पर आप सूट और बूट का जिक्र करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी उनका जो वीडियो वायरल हुआ है उसका सत्यापित नहीं हुआ, वो जब वो सत्यापित होगा उस बारे में बात होगा, मैंने पिछले बार भी यही कहा। और जो मैं दीदी के बारे में बात करूंगा, दीदी का हर एक मुद्दा विकास के ऊपर है, दीदी ने 10 सालों में विकास किया है, सिर्फ विकास और उसके अलावा कुछ नहीं, विकास के हर बात, हर चीज में विकास, हर एक जन्म से लेकर मृत्यु तक हर चीज में विकास, हर चीज में उनकी परियोजना। जयंतनाथ चौधरी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये बोल रहे हैं कांग्रेस यहाँ से टीएमसी तरफ से दीदी ने विकास किया, लेकिन आज जो बात प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि दीदी के खिलाफ गुस्सा है, विकास किया तो ये गुस्सा क्यों है फिर? देखिए गुस्सा तो होना ही चाहिए, विकास क्या हुआ आज 10 साल में? कोई विकास नहीं हुआ,
सिर्फ झूठ बोलने का काम चल रहा है। सबसे बड़ा है झूठ, झूठ झूठ ही बोलते जा रहा है, कोई काम नहीं हुआ। आज पश्चिम बंगाल के एक एक घर में देखो नौकरी नहीं है, किसी का पास के बात बोलने का कुछ तमीज नहीं है, कुछ भी बोझ बोल देता है। ये लोग टेप्स झूठ बोलता है, ये झूठ बोलने के लिए ही ये दीदी आया है 10 साल से। 10 साल से हम लोगों को पूरा पश्चिम बंगाल को पूरा तबाह कर दिया। 3-3 इंडस्ट्री चला गया उनका वजह से। 3-3 इंडस्ट्री परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।